हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2001 में आई एक अमेरिकन साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डोनी डार्को की, जिसे डायरेक्ट किया है रिचर्ड केली ने एंड इस मूवी को आईएमडीबी रेटिंग्स मिले हैं 8/10। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक डोनी डार्को नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। डोनी डार्को एक वियर्ड टीनेजर था जिसको हमेशा वियर्ड थॉट्स आते रहते थे, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी वरी रहते थे। उन्होंने उसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट भी हायर किया हुआ था। हमें 2 अक्टूबर को आधी रात का समय दिखाया जाता है जहां डोनी डार्को नींद से उठकर अपने घर के बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर उसे एक रैबिट की पोशाक पहने एक आदमी दिखता है जो उसे बताता है कि ये दुनिया 28 दिनों में खत्म होने वाली है। तभी एक प्लेन का जेट इंजन उसकी छत पर, जहां डोनी डार्को का रूम था, वहां आकर गिरता है, जिससे सभी फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं। डोनी डार्को क्योंकि घर से बाहर उस रैबिट के सामने था, इसलिए वो नहीं मरता। अगली सुबह पुलिस और रिसर्च टीम वहां आती है, लेकिन उन्हें उस प्लेन के जेट इंजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अगले दिन डोनी अपनी बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा होता है, जहां वो उस प्लेन की बात करते हैं। फिर डोनी के दोस्त वहां एक मोटी लड़की जिसका नाम चरिता होता है उसको जाकर परेशान करने लगते हैं। फिर स्कूल में उनका लिटरेचर का पीरियड चलता है, जहां क्लास में एक लड़की जिसका नाम ग्रेटचेन था, वो न्यू एडमिशन के तौर पर वहाँ आती है और डोनी डार्को के बगल में आकर बैठ जाती है। शाम को डोनी की फादर उसको कार में उसके साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो बताते हैं कि उन्हें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि वो जेट इंजन कहाँ से आया। रास्ते में उन्हें एक रोबेटा स्पैरो नाम की बूढ़ी औरत मिलती है जो अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। साइकाइट्रिस्ट को डोनी सब बताता है कि उसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम फ्रैंक है और उसने मुझे कहा कि 28 दिन बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगले दिन स्कूल में जिम ट्रेनर उन्हें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रोलिंग फियर शो दिखाती है, जिसका होस्ट जिम नाम का एक बंदा था। उसी दिन रात को डोनी डार्को को फिर से फ्रैंक दिखता है जो रैबिट की पोशाक पहने हुए था। रैबिट फ्रैंक उस पर कोई जादू टाइप कर देता है, जिससे वो स्कूल में जाकर वाटर पाइप्स को काट देता है और एक्स को एक मूर्ति पर छोड़ देता है, जिससे पूरे स्कूल में फ्लड आ जाती है। वो वहाँ पर दे मेड मी डू इट भी लिख देता है। बस स्टैंड पर उसे स्कूल में फ्लड आने का पता चलता है, जिससे वो खुश होकर वापस घर लौटने लगता है। वहीं डोनी डार्को को ग्रेटचेन दिखती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें हमें पता चलता है कि ग्रेटचेन के स्टेप डैड ने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके स्टेप डैड पुलिस से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। ऐसे ही बात करते करते डोनी ग्रेटचेन को पसंद करने लगता है। उसके बाद वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जहां साइकाइट्रिस्ट की उसकी फीलिंग और उसके वियर्ड बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन ये थेरेपी भी डोनी के कुछ काम नहीं आ पाती। अगले दिन स्कूल में पुलिस सभी बच्चों की हेड राइटिंग मैच करने की कोशिश करती है और डोनी की हेड राइटिंग मैच हो जाती है उस हेड राइटिंग से जो उन्हें एक्स लगी मूर्ति के पास मिली थी, इसलिए वो उसके नाम को सस्पेक्ट में लिख देते हैं। वहीं फिर उसके बाद वॉशरूम के अंदर डोनी की क्लास का एक शैतान लड़का उसे चाकू की नोक पर धमकाने आता है, क्योंकि किसी बच्चे ने पुलिस से ये कह दिया था कि उसने ही पाइप्स काटी हैं। उसको लग रहा था कि ये डोनी डार्को ने ही कहा होगा। फिर डोनी डार्को स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ फॉर्म में बातें करते हैं, जहां उसे फिर से रेबेटा स्पैरो दिखती है जो मेल बॉक्स में से लेटर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं फिर रात को पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है, जहां स्कूल में फ्लड आने की वजह से रखी गई थी। वहां वो उन सस्पेक्ट्स बच्चों के नाम लेने ही वाले थे कि तभी जिम टीचर मिस फार्मा वहां आती हैं, जो इस हरकत की जिम्मेदार लिटरेचर टीचर को ठहराती है, क्योंकि वो अपनी लिटरेचर बुक्स में ऐसी ही कहानियां बच्चों को पढ़ाती थी जिसमें बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। वहीं उसी समय डोनी को फ्रैंक फिर से मिरर के अंदर दिखता है। डोनी के ये पूछने पर कि तुम मिरर के अंदर कैसे हो, तब फ्रैंक बताता है कि वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, डोनी भी ऐसा कर सकता है अगर चाहे तो। वो उसे कहता है कि तुम सब बहुत बड़े खतरे में हो और फिर टाइम ट्रेवल वर्ड बोलता है और गायब हो जाता है। वहीं टोनी की मॉम और लिटरेचर टीचर मिस फार्मर का विरोध करने लगती हैं। अगले दिन पोएट्री में टोनी डार्को लिटरेचर टीचर को अजीब सी पोएट्री सुनाता है, जिसमें वो एक हीरो था और उसकी मदद करने वाला एक फ्रैंक नाम का रैबिट, जिसे सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं। फिर मिस फार्मर का लेक्चर आता है, जिसमें वो बच्चों को बताती है कि इमोशंस फियर और लव में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसे सुनकर टोनी को उन
उनकी ये थ्योरी गलत लगती है और वो उनसे बहस करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मिस फार्मर डोनी को प्रिंसिपल के पास ले जाती है, जिसमें मिस फार्मर डोनी के बारे में झूठ बोलकर उसे स्कूल की सारी एक्टिविटीज से 6 महीने के लिए सस्पेंड करा देती है। फिर अगले दिन डोनी अपने साइंस टीचर से टाइम टेबल के बारे में बात करता है, जिसे वो टाइम टेबल के बारे में बताते हैं और उसे एक बुक देते हैं जो कि टाइम टेबल के ऊपर डेडिकेटेड थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोबर्टा स्पैरो ने लिखा था, जो अब पागलों की तरह इसी शहर में घूमती है। रोबर्टा स्पैरो पहले एक पुजारिन थी, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ और वो पूरी तरह से बदल गई, तभी उसने ये बुक भी लिखी थी। फिर टोनी डार्को धीरे धीरे इस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और इस बुक के साथ साथ हमें ये मूवी समझ आने लगती है कि इसमें टाइम ट्रेवल को कैसे दर्शाया गया है। चैप्टर 1 में टेंजेंट यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है। असल में एक प्राइमरी यूनिवर्स होता है और एक टेंजेंट यूनिवर्स। प्राइमरी यूनिवर्स एक स्टेबल यूनिवर्स है, जबकि टेंजेंट यूनिवर्स अगर गलती से 4 डायमेंशन में किसी ग्लिच के कारण बन गया है तो वो एग्जैक्टली प्राइमरी यूनिवर्स के जैसे सेम होगा, लेकिन टेंजेंट यूनिवर्स कुछ हफ्तों तक ही सस्टेन कर पाएगा और अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। टोनी अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को वो बुक दिखाता है। फिर टोनी डार्को अगले दिन साइकाइट्रिस्ट को बताता है कि फ्रैंक ने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था और रोबर्टा स्पैरो ने टाइम ट्रेवल पर पूरी तरह डिटेल्ड बुक लिखी थी। इसका मतलब दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। साइकाइट्रिस्ट के पूछने पर वो ये भी बताता है कि रोबर्टा स्पैरो ने ये भी कहा था कि हम सब जीते बेशक साथ ही हैं, लेकिन मरना हमें अकेले ही होता है। इस बात को सोचकर टोनी डार्को बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही अकेलेपन का शिकार हो रखा था। फिर घर में टोनी सबके शरीर में से पानी जैसा कुछ निकलता देखता है और जहाँ वो पानी जा रहा था वहीं वो लोग भी जाने लगते हैं। टोनी की बॉडी से भी वही पानी जैसा फोर्स निकलने लगता है, जिसे फॉलो करने पर वो अपने डैड के रूम में पहुँचता है, जहाँ वो एक गन देखता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और ग्रेट चैन से मिलता है और वो दोनों स्कूल के बाद बातें करते हैं। फिर टोनी के पेरेंट्स साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि टोनी का अकेलापन उस पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से उसे डे नाइट हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अगले दिन टोनी के स्कूल में वही जी मोटिवेशन स्पीकर आता है जो बच्चों को बेकार की एडवाइस दे रहा था। टोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ जाकर उससे बहस करने लगता है। सबको टोनी की बात लॉजिकल लगती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों प्रिंसिपल और बाकी सब उसे डांटकर चुप करा देते हैं। वहीं पर शाम को टोनी ग्रेटचन को बुक दिखाता है और दोनों मिलकर रोबर्टा स्पैरो से मिलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं टोनी फिर साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और उस वाटर लिक्विड के बारे में बताता है और वो बुक दिखाता है, लेकिन उसकी बातों से साइकेट्रिस्ट उसे पागल समझती है, जिसकी वजह से टोनी चुप होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोनी ग्रेस्टन के साथ अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है, लेकिन वो शैतान बच्चे वहाँ ग्रेस्टन के मॉम डैड को बीच में लाकर उसको बहुत परेशान करते हैं, जिससे ग्रेस्टन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। टोनी ग्रेटचन को संभालने की कोशिश करता है और उसके बाद वो दोनों मूवी थिएटर में घूमने जाते हैं। ग्रेस्टन को नींद आ जाती है और तभी वहाँ फिर से फ्रैंक आता है, जिसे देखकर टोनी उसे उसका सूर उतारने को कहता है। टोनी उसका रियल फेस देखता है और वो बाकी लड़कों जैसा नॉर्मल टीनेजर ही था, लेकिन उसकी एक आंख फूटी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। वो उसे किसी तरह के पोर्टल के बारे में बताता है और उसे हिप्नोटाइज कर देता है। वहीं उसी समय स्कूल में एक डांस परफॉर्मेंस हो रही होती है, जिसमें टोनी की छोटी बहन भी थी और उस डांस की इंचार्ज मिस फार्मर थी। डांस परफॉर्मेंस में मिस फार्मर की टीम जीत जाती है, जिसमें अब उन्हें अगले दिन लॉस एंजलिस में परफॉर्म करने जाना था। वहीं टोनी भी खड़ा हो जिम के घर जाकर उसका घर जला देता है। अगले दिन सुबह न्यूज आती है कि पुलिस को आग के बारे में पता लगाते समय जिम के काले राज के बारे में पता चल गया था, जो कि एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैंडल चलाता था, जिसको उसके बाद अब जेल हो जाती है। मिस फार्मर टोनी की मॉम को डांस इंचार्ज का हेड बना देती है, क्योंकि मिस फार्मर को जिम के बचाव के लिए खड़ा होना था। वहीं फिर अपनी छोटी बेटी को ले टोनी की मॉम और डैड लॉस एंजलिस चले जाते हैं और घर पर टोनी और उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ रह जाते हैं। वहीं अगले दिन स्कूल में टोनी लिटरेचर टीचर को जाते देखता है, जो उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं उनके अनुसार नहीं पढ़ाती थी। वो शाम को साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि स्कूल में फ्लड और जिम का घर उसी ने जलाया था, जिस पर वो खुश होकर ये भी बता देता है कि फ्रैंक ने ये सब उसे करने को कहा था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सब मारे जाएंगे
कुछ ही दिनों में, और ऐसा ना हो इसलिए फ्रैंक यहाँ पर आया है। 2 अक्टूबर से लेकर अब बहुत दिन बीत चुके हैं और 28 दिन पूरे होने वाले थे, इसलिए डोनी इस बात की चिंता करते करते रोने लगता है, जिसको साइकाइट्रिस्ट उसका पागलपन समझ उसको इमोशनली चुप कराती है। अगले दिन टोनी को पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन का हार्वर्ड में एडमिशन हो गया है और आज हेलोइन भी है, इसलिए वो आज पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं। पार्टी में सब अलग अलग तरह के कपड़े पहन कर आए थे। ग्रेटचन वहाँ आकर डोनी से मिलती है और उससे बताती है कि उसकी मॉम कहीं चली गई है और बहुत रोने लगती है। डोनी ये देखकर उसको चुप करवाता है। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ सिर्फ 6 घंटे ही बचे थे दुनिया खत्म होने में। वहीं डोनी को फ्लैशबैक सीन दिखने लगते हैं जो अभी तक उसकी लाइफ में हुआ। उसे एक पोर्टल भी दिखता है जिसे वो नहीं समझ पाता, इसलिए वो तुरंत परेशान होकर रोबेटा स्पैरो से मिलने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ ग्रेट चैन को ले रोबेटा स्पैरो के घर जाते हैं। तभी वहाँ शैतान बच्चे आ जाते हैं और डोनी को परेशान करने लगते हैं। ग्रेट चैन को वो धक्का दे नीचे गिरा देते हैं और डोनी को चाकू के पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं तभी उन्हें एक कार आती दिखाई देती है, जिसे देख शैतान बच्चे वहाँ से डर कर चले जाते हैं, लेकिन कार गलती से ग्रेट चैन को कुचल देती है, जिससे ग्रेट चैन वहीं पर मर जाती है। ये देख कर डोनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जब वो गाड़ी को देखता है तो उसमें से कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही निकलता है, जिसने अभी तक टाइम ट्रेवल नहीं किया था और उसकी आग भी ठीक थी। वह हेलोइन पार्टी से ही आया था, इसलिए उसने रैबिट के शेप जैसी कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ग्रेट चैन को मरा देख कर। उसके हाथ में जो गन थी जो उसने अपने डैड के रूम से ली थी वो निकाल कर उसको शूट कर देता है, जिससे गोली सीधे उसकी आग पर जाकर लगती है। वहीं फिर रोबेटा स्पैरो आती है, जिसे देख कर ये लग रहा था कि वो ये सब जानती है कि ये सब होने वाला है, और फिर टोनी को बताती है कि एक तूफान आने वाला है जो इस दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं फिर सुबह टोनी कार लेकर ग्रेटचन की लाश उसमें डालकर एक पहाड़ी पर जाकर उस तूफान को देखता है। फिर तभी वो ग्रेटचन के पास जा उसको याद करता है और तभी उसकी आंखों पर पूरा फ्लैशबैक आने लगता है जो अब तक उसके साथ हुआ। तभी एक वहाँ पोर्टल टाइप बनता है जिसके पार जेट इंजन ले जाया जाता है। वहीं फिर हमें टोनी डार्को को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर जोर जोर से हंस रहा था। असल में कहानी वहीं पहुंच गई थी जहां से शुरू हुई थी, और आज 2 अक्टूबर का दिन है और ये प्राइमरी यूनिवर्स है। तभी एक जेट इंजन फिर से टोनी डार्को के रूम पर आकर गिरता है, जो पोर्टल के थ्रू टोनी ने ही टेंजेंट यूनिवर्स से प्राइमरी यूनिवर्स में भेजा था। जेट इंजन के गिरने से वो वहीं मर जाता है और बाकी सब जो भी कैरेक्टर थे वो टोनी डार्को के पास रहते थे। उनकी भी आंखें खुलती हैं और उन्हें एक डरावना सपना जैसा लगता है, जो कि उन्हें बहुत कम याद रह पाता है। असल में इस मूवी का प्लॉट क्या था, अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्राइमरी यूनिवर्स होता है जिसके अंदर अगर 4 डायमेंशन में किसी कारण से ग्लिच आ जाए तो एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप बन जाता है, जिसे टेंजेंट यूनिवर्स का नाम दिया गया है। टेंजेंट यूनिवर्स काफी अनस्टेबल होता है, जो सिर्फ कुछ हफ्ते ही सस्टेन कर पाता है और अपने आप ही तबाह हो जाता है, जिससे प्राइमरी यूनिवर्स फिर से चलने लगता है। टेंजेंट यूनिवर्स सेम टू सेम प्राइमरी यूनिवर्स की तरह होता है, लेकिन प्राइमरी यूनिवर्स की कॉपी बनते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो टेंजेंट यूनिवर्स की तबाह होती समय टेंजेंट यूनिवर्स एक ब्लैक होल बन जाता है, जो प्राइमरी यूनिवर्स को भी अपने अंदर खींच कर तबाह कर सकता है। 2 अक्टूबर को प्राइमरी यूनिवर्स के अंदर एक टाइम ग्लिच आया था, जिसकी वजह से टेंजेंट यूनिवर्स बनता है और प्राइमरी यूनिवर्स स्टॉप हो जाता है। इस मूवी की स्टोरी टेंजेंट यूनिवर्स के अंदर ही चल रही थी। जब टेंजेंट यूनिवर्स बन रहा होता है तो अगर कॉपी बनाते समय चीज एक्स्ट्रा बन जाए तो उसे आर्टिफैक्ट कहा जाएगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट एक एक्स्ट्रा कॉपी है। इसकी वजह से ही टेंजेंट यूनिवर्स के खत्म होते समय यही ब्लैक होल का निर्माण करता है, जिससे प्राइमरी यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए इस एक्स्ट्रा कॉपी जिसे आर्टिफैक्ट कहा गया है इसे वापस प्राइमरी यूनिवर्स में भेजना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन ले कि प्राइमरी यूनिवर्स में एक ओरिजिनल और एक आर्टिफैक्ट मौजूद होने से अनस्टेबिलिटी आएगी तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि प्राइमरी यूनिवर्स अपने आप में इतना स्टेबल होता है कि ये ऐसे ग्लिट्स को संभाल सके। इसमें हमें 2 टर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है लिविंग रिसीवर और डेड रिसीवर। डेड रिसीवर वो होते हैं जो टेंजेंट यूनिवर्स में मर जाते हैं, जबकि लिविंग रिसीवर वो होते हैं जिन्हें टेंजेंट यूनिवर्स खुद चुनता है
और उसी के सबसे पास आर्टिफैक्ट को गिराता है। लिविंग रिसीवर के पास कुछ फोर डायमेंशन सुपर पावर भी होते हैं, जो है माइंड कंट्रोल करने की पावर और आग जलाने की पावर और बाकी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ। वहीं डेड रिसीवर लिविंग रिसीवर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके पास टाइम ट्रेवल जैसी ताकत भी होती है। इस फिल्म में ग्रेस चैन और फ्रैंक दोनों ही डेड रिसीवर थे, जो टाइम ट्रेवल करके मूवी की स्टार्टिंग में टोनी से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें उसे कैसे न कैसे करके आर्टिफैक्ट को वापस प्राइमरी यूनिवर्स में भिजवाना था। असल में टोनी की जिंदगी एक स्क्रिप्टेड थी, जिसे ग्रेस चैन और फ्रैंक कंट्रोल कर रहे थे। स्कूल में फ्लड लाकर टोनी के ग्रेस चैन से मिलना और उसकी गर्लफ्रेंड बन उसका ही प्लान था, ताकि वो टोनी को फ्रैंक की तरह गाइड कर सके। असल में टेंजेंट यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही एंड तक टोनी डार्क को एक ट्रैप में था, जिसे ग्रेस चैन और फ्रैंक बुन रहे थे ताकि वो प्राइमरी यूनिवर्स को बचा सके। ग्रेस चैन को उसकी गर्लफ्रेंड इसलिए बनाया जाता है ताकि इस टाइम का फ्रैंक आकर जब गलती से ग्रेस चैन को मारे, तब अपनी जीएफ को मरा देख टोनी को गुस्सा आ जाए और वो इसी टाइम में फ्रैंक को मार डाले, ताकि वो डेड रिसीवर बन सके। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में कुछ अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।